सो है गाइज़ व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़ आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक गेमिंग इंट्रो बना सकते हैं सिर्फ काइंड मास्टर का यूज़ करके। सो हम आप एक प्रीव्यू देख लीजिए, हम ऐसा टाइप का गेमिंग इंट्रो बनाएंगे। सो सबसे पहले आपको काइंड मास्टर ओपन कर लेना है। अगर आपके पास काइंड मास्टर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको ये प्लस के आइकन में क्लिक करना है और 6:9 का रेशियो चूज़ कर लेना है। ओके, 6:9 का रेशियो चूज़ करने के बाद आपको इस मीडिया में क्लिक करना है, बैकग्राउंड में क्लिक करना है और ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है, फिर यहाँ से टिक। ओके, सो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है। अब हम इसका थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, जस्ट इसको 10 सेकेंड्स तक रख लेना है आपको। ओके, अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना है। उसमें ही आपका एक इंट्रो का एक लिंक मिलेगा, आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सो डाउनलोड करने, अगर आप उस लिंक में क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखे तो आपको ऊपर जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है आपको उसको क्लिक कर लेना है। फिर विद इन 30 मिनट्स में आपको उसको जीमेल में भेज दूंगी। और अगर नहीं आए ऐसा, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन शो कर रहा है तो आपको उधर ऊपर क्लिक करना है और आपको 30 मिनट्स में आपके जीमेल में वो इंट्रो का वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो अभी हम उस इंट्रो को यहाँ पर डाल देते हैं। तो आपको लेयर में क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना है और वहीं से आपको डाउनलोड करके लगा देना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे रखा है उसको, ये रहा वो वीडियो। आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैक वाला बैकग्राउंड भी रखना है। सो ये हमारा ये वीडियो है 9 सेकेंड्स 9.5 सेकेंड्स का है। सो हम इस ब्लैक बैकग्राउंड को भी उतना ही कर देंगे। तो हम इसको क्लिक करेंगे, फिर जो सीजर वाला ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करके यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड में क्लिक कर देंगे एंड टिक। ओके, सो हमारा इतना हो चुका है। अब आपको यही वीडियो को क्लिक करना है, ये जो बीच में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उधर क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। ओके, सो ऐसे आपका यहाँ पे ये इंट्रो लग चुका है। अब आपको यहाँ पे देखना है, जब आप एक बार, मैं इसको प्ले करके दिखा देती हूँ। ओके, सो ये जैसे यहाँ पे ये जॉइंट हुआ और ये एक लाइन यहाँ से लाइट का लाइन गया है, तभी आपको यहाँ पे अपना गेमिंग चैनल का लोगो लगा देना है। सो लेयर में जाएंगे हम, फिर मीडिया में जाएंगे और आपका जो गेमिंग चैनल का लोगो है उसको आपको ले लेना है। सो ओके, जैसे ये एक लोगो है, यहाँ पे ये स्क्वायर शेप का है, तो हम यहाँ पे जाएंगे नीचे क्रॉपिंग में क्लिक करेंगे और इसका मास्क को ऑन कर देंगे एंड ऐसे टिक कर देंगे। अभी सर्कल शेप का हो चुका है और हम ये जो पीछे जो सर्कल है उसके ऊपर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, सो हम इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसके ऊपर हमें एक इफ़ेक्ट लगाना है, इसको हम थोड़ा और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके ओके, सो दिस इज़ गुड। ओके, अब हम यहाँ पे लेयर में क्लिक करेंगे, फिर इफ़ेक्ट में क्लिक करेंगे। आपको पहले तो अपने मोबाइल का डेटा ऑन रख लेना है, जैसे मैंने भी ऑन किया। फिर गेट मोर में जाना है, आपको यहाँ से गेट मोर में क्लिक करना है, आपका मोबाइल डेटा उस टाइम ऑन होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे ग्लिच में आना है, आपको ये जो ग्लिच का ऑप्शन है यहाँ साइड में उसमें आना है और ये जो आप देख सकते हो क्रोमेटिक ग्लिच, आपको इसमें क्लिक करना है। एंड यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था इसलिए मेरे में इंस्टॉल्ड आ रहा है। आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा तो आपको उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब मैंने इसको यहाँ से डायरेक्ट कट कर लिया है। ओके, सो आप ऐसे कर लेना, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देना है। अब ये यहाँ पर आ चुका है इफ़ेक्ट्स के ऑप्शन में, तो यहीं से हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे एंड टिक। सो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा आगे करेंगे, फिर ये ट्रिम स्प्लिट का जो ऑप्शन है हम इसमें क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे स्प्लिट एट प्ले हेड को एंड टिक। फिर थोड़ा इसको आगे करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यही ट्रिम स्प्लिट वाले में स्प्लिट एट प्ले हेड कर देंगे एंड यहाँ पे फिर टिक।
और ये जो बीच वाला जो आ गया हमारे, ऐसे हमने इसके दो पार्ट किए, तो जो बीच का पार्ट है उसको हम यहाँ पे ये जो डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड ये अब डिलीट हो चुका है। ओके सो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आया कि पहले थोड़ा शेक हो रहा है, फिर ये नॉर्मल हो गया एंड फिर ये शेक हो रहा है। सो ये बहुत अच्छा इफेक्ट था। अब हम देख लेते एक बार हमारा वीडियो कैसा बना। हाँ ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये ब्लैक बैकग्राउंड के अलावा, ये जो आगे आगे का है इसको हम थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं। तो वही सीजर में क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड में क्लिक करेंगे, इसको भी हम वहाँ से वैसे ही ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। ओके सो ये हमारा इतना हो चुका और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें अपने इस लोगो को पहले तो इन एनिमेशन में रखना है। सो हम यहाँ पे इन एनिमेशन में क्लिक करेंगे और ये जो फेड वाला एनिमेशन आपको उसमें रखना है। ओके सो जैसे स्टार्टिंग में ये फेड वाले में आएगा और फिर जो इसका आउट एनिमेशन यानी कि जब ये चला जाएगा तो ये एक एनिमेशन में जाएगा, तो आपको यहाँ पे ये आउट एनिमेशन में क्लिक करना है एंड आप इसमें से कोई भी एनिमेशन आप चूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट में कर देती हूँ। ओके जैसे ये फिर इस साइड लेफ्ट साइड में से मूव हो जाएगा। ओके सब ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम लिखना है नीचे। सो आप यहाँ पे लेयर में क्लिक करें, टेक्स्ट में क्लिक करें एंड अपने चैनल का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। सो अभी हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। आप अपने चैनल का कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए जैसे साइबर गेमिंग नाम से मैं रख लेती हूँ। एकदम कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप अपने चैनल का नाम लिखना और यहाँ पे इसको हम ऐसे लगा देंगे। फिर ये जो AA दिख रहा है ये फॉन्ट चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आप चाहे तो कोई भी फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड नहीं किया है, मैंने इसी काइनमास्टर का यूज़ किया है। सो लास्ट में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फॉन्ट रोबोटो कॉन्डेंस्ड बोल्ड इटैलिक, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको टिक कर दिया। ओके और ये बहुत अच्छा लगता है ये फॉन्ट मुझको। सो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा रख दिया है और इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी कलर रखना है आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज रख दिया है। ओके सो इतना ठीक है क्योंकि चैनल का लोगो भी थोड़ा ऑरेंज कलर टाइप का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज रखा है, मतलब येलो कलर का है तो थोड़ा बहुत जिससे मैच करे उससे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का रखा है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको यहाँ पे ट्रिम कर देंगे राइट साइड में, तो राइट ऑफ प्लेहेड कर देंगे एंड ये अब थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। आप चाहे तो इस साइबर गेमिंग जो हमने लिखा है उसमें भी एनिमेशन डाल सकते हैं, बस आपको इन एनिमेशन में क्लिक करना है अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आप कुछ भी एनिमेशन दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉप वाला दे दिया है एंड आउट एनिमेशन में भी आप यहाँ पे कोई भी एनिमेशन चूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे स्लाइड राइट साइड का कर देती हूँ। ओके सो ये अब हमारा पूरा बन चुका है। सो आप अभी देख सकते हो ये पूरा इंट्रो। ओके सो ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है ये इंट्रो। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको हाई रेजोल्यूशन में रख के हाई बिट रेट में रख के एक्सपोर्ट कर देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन प्लीज़। आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।